टैली की कुछ शॉर्टकट कीज हैं जिनके बारे में आपको दिखाता हूँ। देखिए अल्ट और F1 की अगर आप प्रेस करते हैं तो आप कंपनी को क्लोज कर पाते हैं। दूसरा है अल्ट और F2 जिसे पीरियड चेंज किया जाता है। अल्ट F3 से क्या होता है, अल्ट F3 से आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं या केवल F3 बटन प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अल्ट F4 से क्या होता है, टैली से क्विट हो जाओगे, बाहर हो जाओगे, ठीक है। अल्ट के साथ F5 प्रेस करते हो तो कंपनी में जो है आप जिस भी कंपनी में हो वहां पर कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। इसके बाद अल्ट के साथ F9 प्रेस करने से रिपोर्ट वाउचर ओपन होता है, रिपोर्ट या वाउचर ओपन हो जाता है। इसके बाद अल्ट के साथ F10 प्रेस करने से कैलकुलेटर डिसेबल हो जाता है। देखिए इनेबल करने के लिए क्या था, इनेबल करने के लिए अल्ट F5 और डिसेबल करने के लिए अल्ट F10, ठीक है। और उसके बाद अगर गोडाउन को डिसेबल करना हो, गोडाउन फीचर को डिसेबल करना हो तो अल्ट F11 प्रेस करेंगे। अल्ट F12 प्रेस करने से क्या होता है, कंपनी फीचर्स इनेबल हो जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है, कॉन्फिगर हो जाते हैं। अल्ट कंट्रोल के साथ A प्रेस करने से सारा एक्सेप्ट हो जाता है, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से कंट्रोल प्लस B यानी कि ब्राउज करने के लिए, किसी भी कंपनी में ब्राउज करने के लिए आप वहां जाना चाहते हो, ब्राउज करना चाहते हो तो कंट्रोल B प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल C करेक्ट टू कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम अ रिपोर्ट स्क्रीन, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को जो कि रिपोर्ट स्क्रीन पे है उसको कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल डी से क्या होता है, डिलीट कर सकते हैं, ये तो मैंने कई बार बताया है। कंट्रोल ई से क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं डाटा को, ठीक है, एक्सेल में। कंट्रोल आई से क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल एम से ईमेल मेल कर सकते हैं किसी भी वाउचर को, ठीक है। कंट्रोल एन से क्या होता है, न्यू कंपनी क्रिएट होती है। कंट्रोल ओ से क्या होता है, टू अपलोड द रिपोर्ट और वाउचर टू अ वेबसाइट, किसी वेबसाइट पर रिपोर्ट को या वाउचर को अपलोड करना हो तो वो कर सकते हैं। कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी शॉर्टकट की, ठीक है।